जय द्वारकाधीश। दोस्तों, मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हेमलता यादव में। और देखिए, आज हमारे घर पे बन रही है पाव भाजी, जो कि कविता बना रही है। तो आज दोपहर के खाने में यही बन रहा है। और अचानक से जयदीप को क्या सूझा, जो वो जिद करने लगा कि उसको पाव भाजी चाहिए। तो यही आज बन रहा है। कविता नहीं बनाई थी अकेले, सब कुछ वही कर रही थी। वो बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है। तो देखिए, यहाँ पे भाजी रेडी है हमारी, और बस पाँव तलने हैं। तो वो बटर में पाँव तल रही थी। और हम पाव भाजी खा रहे हैं। ज्योति का पाँव भाजी खा रही है। पाँव भाजी है कि खाली पाँव? तो कविता ने आज बनाया है पाँव भाजी बच्चों के कहने पे। और देखिए मेरा जयदीप क्या कर रहा है, गाड़ी बना के खेल रहा है थर्मोकोल से। जयदीप खा लो बेटा, कैसा है जो तू? एक नंबर, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? वाओ, बहुत यम्मी। थैंक यू। यहाँ पे खाना दोपहर वाला रेडी हो चुका था और हम सब भी खाने के लिए बैठ गए थे, देख सकते हैं आप लोग। और कविता के हाथ की पाव भाजी हम सबको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मार्केट में भी इतना टेस्ट नहीं होता है। और जयदीप देखिए बेड पे चढ़ के खा रहा था। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो कविता को ही मैंने बोला था कि ये सब तू ही लगा दो दरवाजे में, क्योंकि मैं तो ये सब कुछ भी नहीं छू सकती थी। तो देखिए कविता ये सारे स्टिकर यहाँ लगा देगी, शुभ लाभ के, स्वस्तिक, ओम, लक्ष्मी चरण, ये सब कुछ मैंने उसी को बोला कि आज तू ही लगा दे। और इस साल मैंने ज्योतिका के पापा को ही बोला था कि आप जैसे दिवाली मनाना चाहें, आप जैसे मनाते हैं वैसे मना लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब लगा रही है। और ये स्टिकर जो हनुमान जी का हम लोग सारंगपुर से लगाए थे, वो मैं शनिवार को ही लगा चुकी थी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दीपावली की पूजा हो गई है बिल्कुल फटाफट वाली एकदम से। जैसे ज्योतिका के पापा को जितना आसान लगा उतनी आसान पूजा उन्होंने की है। 5 दिए जला दिए और प्रसाद रख दिया। और ये घर में मैंने सब जगह रखने के लिए वो दिए मैंने तेल भर रहे थे दियों में। यहाँ पे ज्योतिका के पापा ने दिए जला दिए हैं और अब वही सब जगह पूरे घर में रख देंगे। और यहाँ पे मटके के पास दिया रख चुके थे और ये दरवाजों के आसपास।
राधा दिवाली में सजावट तो राधा ये सब नहीं किया था। क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल तरीके से दिवाली मनाई थी। क्या कर रहे हो बताओ? नीचे से सटाओ बेटा, आग उसमें सटाएगी तब ना। और नीचे सटाओ, हाँ उसी पर आग। अब भागो भागो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी दिवाली में बस एक ही फूलझड़ी जलाई थी और एक जमीन चक्री। तो ये लोग दिया जला के भगवान जी के पास से और घर में सब जगह रख के ये लोग सीधा पटाखे फोड़ने लगे थे, क्योंकि जयदीप ज्योतिका बहुत जिद करने लगे थे। तो मैं बस देख रही थी और मैं साथ में खाना भी बना रही थी और पूजा को बोल दिया था तो वो रिकॉर्डिंग कर रही थी थोड़ी बहुत। तो उसका रिकॉर्ड में कुछ नहीं आया और मैं किचन में भी थी, तो बस यही थोड़ा सा मेरा भी इसमें है वीडियो क्लिप जो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जमीन चक्री जला रही थी, बड़ी टाइम लगता है इसको जलने में। बस वो जल गई थी, लेकिन वो शायद मैंने गड्ढे में रख दी थी तो इसीलिए वो घूम नहीं रही थी, बस एक ही जगह वो जली। और ये पूरी दिवाली बस मैंने यही एक पटाखा जलाया था। तो ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ दिवाली पे फूलझड़ी, अनार, ये दो चीज़ पसंद है। और वो स्टार वाले रॉकेट जो ऊपर जाते हैं, ढेर सारे स्टार होते हैं उसमें, बस ये तीन चीज़ ही अच्छी लगती है। लेकिन स्टार वाला रॉकेट आज तक मैंने ख़रीदा कभी नहीं है, बहुत महंगा आता है। और यहाँ पे इन्होंने रॉकेट जलाया था जो कि बोतल में से ऊपर ना जाके सीधा वो टेढ़ा गया और जाके दीवार में लग गया। सारे रॉकेट ऐसे ही आड़े टेढ़े ही जा रहे थे, तो मुझे बहुत डर लगता है रॉकेट छोड़ने में और मुझे ये वाले रॉकेट पसंद भी नहीं है। मैं मना कर रही थी ये सब नहीं लो, क्योंकि जुट्ठे फूट जाए, बच्चों को जलने से भी मुझे डर लगता है। तो बस जो फूटे ना, ये ऐसे ही पटाखे लाने को बोला था, अनार वगैरह जो वो फूटता नहीं है, और उसको तो ज्योतिका जला के दूर भाग जाती थी, उसको मज़ा आ रहा था। देखिए यहाँ पे ज्योतिका फूल झड़ी कर रही है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ने भी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, धूमधाम से। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, जय द्वारकाधीश।